अगर फ्रेंड्स आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद होते जा रहे हैं, बालों में कोई रंग नहीं आ रहा, तो एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। तो चलिए रेमेडी की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको एलोवेरा के पीसेस कर लेने हैं, बहुत छोटे छोटे मैंने पीसेस किए हैं। ये आपकी ग्रोथ तो बढ़ाएंगे, साथ ही बालों का टूटना झड़ना भी बंद कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ली है आयरन की कढ़ाई, इसमें आपको यही पीस आपको ऐड करना है। यहाँ पे ले रही हूँ मेथी पाउडर, आप चाहें तो ड्राई मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप दोनों तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी पाउडर का, 1 से 2 टेबल स्पून तक आप अपने बालों के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। इसके बाद जो हम डालेंगे इसमें डालेंगे आंवला, जो बालों का टूटना झड़ना बंद करेगा। और इस तरीके से आप जो है, अगर आपके भी गुठलियाँ आ गई हैं तो आप इस तरीके से मैश कर लीजिए आंवले को। ये देखिएगा, यहाँ ये पाउडर था और थोड़ा सा ये जो है गीले होने की वजह से थोड़ा सा इस तरीके का हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप जो है तीनों चीज़ों को डाल लीजिए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। इस तरीके से पानी ऐड करके आप अच्छे से इन्हें मिक्स कर दीजिए। ये देखिएगा इस तरीके से, आप यहाँ पे 1 गिलास तक पानी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डाई इससे रेडी होगा, आपके बाल इससे काले भी बनेंगे, बहुत अच्छा कलर देंगे ये बालों को आपके। पानी और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और गैस का फ्लेम कर देती हूँ मैं ऑन। इसमें इस तरीके से चलाते रहना है ताकि जो हमारा सीरम बनकर रेडी हो वो जो है इसमें सारा एलोवेरा का सता जाना चाहिए, और एलोवेरा जो है आपके बालों की डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करेगा। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे जैसे ये ठीक होगा और कलर में भी ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ये ब्लैक फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे चलाते जाइए बीच बीच में, और देखिएगा जितने भी लम्ब्स थे जो आपने देखे थे वो सारे इसमें मैश हो चुके हैं इस तरीके से। और देखिएगा एलोवेरा का जो पल्प है यानी कि ये है, वो भी इसमें ही मैश हो जाएगा। तो आपको अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए इसे चलाना है, इस तरीके से आप इसे चलाते जाइए, और ये बहुत ही अच्छा कलर देगा आपके बालों के अंदर। देखिएगा स्टिक में भी आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं, आप ये हो गया कॉफ़ी जैसा कलर। थोड़ी देर में पूरी तरीके से ब्लैक कलर इसका कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपका बनकर रेडी होगा। ध्यान रखिएगा सिम गैस पर ही आपको इसे रेडी करना है, और जैसे जैसे ये थिक होगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सीरम बनकर हमारा जो है रेडी हो जाएगा बालों में लगाने के लिए। आप किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, 2 तरीके से लगाने के लिए बताऊँगी। दोनों तरीके से ही सफ़ेद बालों को काला करता है, और अगर आपको जस्ट कवर आउट करने हो अपने बाल यानी कि सफ़ेद बाल तुरंत से काले करने हो उसके लिए भी बता दूँगी, उससे रंग आ जाएगा आपके बालों के अंदर। इस तरीके से आप इसे जो है चलाते जाइए और देखेंगे आप जैसे जैसे ही गाढ़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये होता जा रहा है। इस तरीके से आप इसे मिक्स कर दीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये थिक हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मैश कर देना है, जितना भी एलोवेरा होगा इसमें मैश हो जाएगा अच्छे से इस तरीके से। और गैस के फ्लेम को बस अब हम जो है बंद करने वाले हैं। इस तरीके से आप इसे मैश करते जाइए, और देखिएगा कितना ज़्यादा थिक भी हो गया है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। इस तरीके से अब गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और इसे आप जो है इस तरीके से मैश कर दीजिए। ये देखिएगा इस तरीके से आपको अच्छे से मैश करना है, ये इस तरीके से आपको मैश करते जाना है। आप देखिएगा इसका रंग दिखा देती हूँ, पूरी तरीके से ब्लैक हो गया। आपको क्या करना है, आपको इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन आउट कर लेना है। तो चलिएगा मैं इसे स्ट्रेन दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का ये हमारा जो है सीरम बनकर रेडी हुआ है। आप देख रहे हैं, आप 2 तरीके से किस तरीके से बता रही हूँ। पहला तरीका प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग हेयर के लिए है, जिनकी एज 30 से नीचे है, वो जो है इसे इसी तरीके से सीरम को ठंडा करके अपने बालों में अप्लाई करें। कम से कम सिर धोने से आप 2 घंटा पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश कर लीजिए। ये जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसमें ऑयल भी मिक्स करके, कोई सा भी जो आपका फेवरेट ऑयल हो या फिर कलौंजी ऑयल मिक्स करके, आप इसे बालों में रात में भी लगाकर छोड़ सकते हैं। जिन लोगों की बाल नहीं बढ़ते, लंबे नहीं होते, तो वो जो है इसमें ऑयल मिक्स करके रात भर अपने बालों में लगाकर छोड़ दीजिए, और जो है शावर कैप जरूर से पहन लेना है, बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं सफेद बालों को कवर करने की, तो आप यहाँ पे कोई सी भी हीना ले सकते हैं,
पतंजलि की भी काफ़ी लोग हीना इस्तेमाल करते हैं, जो पतंजलि की केशकांति हीना है वो भी आप इसमें मिक्स करके आप जो है इसे हेयर पैक की तरह बालों में लगाइए और ये बहुत अच्छे से आपके बालों को, सफ़ेद बालों को कवर आउट करेगी, बालों में रंग देने का काम करेगी। कोई सी भी हीना आप मिक्स करके इसे एज अ हेयर पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसी दिन आपको नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करना है, नेक्स्ट डे ही आपको जो है शैम्पू इस्तेमाल करना है। माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, बहुत जल्द आपके बाल जो है जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।